तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मस्जिद तोड़ने के बाद मुसलमानों के विरोध में उतरा चीन। चीन ने अब गूगल और एप्पल स्टोर से हटवाया कुरान ऐप, मुसलमानों का फूटा ड्रैगन पर गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को दिया बड़ा धोखा। उत्तर प्रदेश में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाने पर लगाई रोक, कोरोना का दिया हवाला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से भाजपा को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता मिथुन घोष की गोली मारकर हत्या, बीजेपी ने लगाया टीएमसी पर आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस सांसद ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बताया राक्षसी महिला, कहा यह है आतंकवादी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कश्मीर में मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, कश्मीर में हो सकता है एक और आतंकी हमला, मोदी सरकार ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, कहा इन्होंने ही नहीं की थी बैरिकेडिंग तभी हुआ यह हादसा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मस्जिद तोड़ने के बाद अब चीन ने एप्पल से कुरान एप्पल लगवाया बैन, मुसलमानों का फूटा ड्रैगन पर गुस्सा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीते साल चीन की सरकार ने सिंजियांग प्रांत में 16,000 मस्जिदों को तोड़वाकर टॉयलेट उसकी जगह बनवा दिए थे, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों ने चीन का विरोध किया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब चीन ने एक बार फिर से मुसलमानों के विरोध में बड़ा काम किया है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की सरकार ने चीन में एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से कुरान ऐप को हटवा दिया है और इसकी जानकारी कंपनी ने दी है। कंपनी ने बताया है कि चीन ने दुनिया के सबसे मशहूर ऐप में से एक कुरान ऐप को वहां के अधिकारियों के अनुरोध पर बैन कर दिया है। कंपनी ने बीबीसी न्यूज को इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि चीन में एप्पल पर और गूगल प्ले स्टोर पर कुरान ऐप मौजूद है और कुरान ऐप पर पूरा कुरान मजीद है। भाई आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति कुरान शरीफ को पढ़ना चाहता है तो गूगल या एप्पल स्टोर पर जाकर कुरान ऐप को डाउनलोड कर ले, उसमें 300 के 300 पारे कुरान शरीफ के हैं। लेकिन आपको बता दें कि चीन ने अब इसी एप्लीकेशन पर पूरे चीन में बैन लगा दिया है और इसकी जानकारी आज सभी कंपनियों को दे दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से मुस्लिम विरोधी काम फ्रांस के बाद चीन करता जा रहा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाने पर योगी ने लगाई रोक, मुसलमानों का फूटा भाजपा पर गुस्सा। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि आज पूरे देश में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ईद मिलाद उन नबी के त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी है और कोरोना वायरस का हवाला दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया है कि ईद मिलाद उन नबी के त्यौहार पर कोई भी मुसलमान जुलूस उत्तर प्रदेश में ना निकाले, अगर ऐसा मुसलमान कोई करता पाया गया तो महामारी एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज होगा। वहीं आपको बता दें कि गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस को देखते हुए 400 लोगों को ईद मिलाद उन नबी पर जुलूस निकालने की इजाजत दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में ईद मिलाद उन नबी के त्यौहार पर कहीं पर भी मुसलमानों को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है और कोरोना वायरस का हवाला दिया है। वहीं आपको बता दें कि ईद मिलाद उन नबी के त्यौहार पर जुलूस न निकालने की इजाजत देने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुसलमानों का गुस्सा फूटा है। मुसलमानों ने आरोप लगाया है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मुसलमानों के त्यौहार आते ही योगी आदित्यनाथ पाबंदी लगा देते हैं, जबकि हिंदुओं के त्यौहार धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के त्यौहारों से ही कोरोना वायरस फैलता है, जबकि हिंदुओं के त्यौहारों से उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं फैलता है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि रामलीला सहित छठ पूजा और नवरात्रि धूमधाम से उत्तर प्रदेश में मनाए गए, लेकिन अब मुसलमानों का त्यौहार ईद मिलाद उन नबी आई तो इससे कोरोना वायरस फैल जाएगा। ये गंभीर आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाए हैं। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मिथुन घोष की गोली मारकर हत्या, बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद भाजपा को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मिथुन घोष की गोली मारकर आज पश्चिम बंगाल में हत्या कर दी गई है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वही आपको बता दें कि गोली मारकर हत्या करने का आरोप शुभेंदु अधिकारी सहित पूरी भाजपा ने टीएमसी पर लगाया है और कहा है कि टीएमसी ने ही हमारे नेता की गोली मारकर हत्या करवाई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को बड़ा झटका आज फिर से पश्चिम बंगाल में लगा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस विधायक ने प्रज्ञा ठाकुर को बताया राक्षसी महिला, कहा ये थी कभी आतंकवादी। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायगढ़ में कांग्रेस विधायक रामचंद्र दागी ने बीजेपी की भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विधायक दागी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राक्षसी महिला बताया है। वहीं कांग्रेस विधायक ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर आतंकवाद से जुड़े होने का आरोप भी लगाया है और कहा कि ये आतंकवादी पहले थी लेकिन भाजपा ने इस आतंकवादी को टिकट दिया। दरअसल आपको बता दें कि सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को दशहरे के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के मंच से कांग्रेसियों और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही लगातार कांग्रेस साध्वी पर हमला कर रही है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, जम्मू कश्मीर में हो सकता है एक और आतंकी हमला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश के केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हो सकता है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोदी सरकार ने इसी हमले को लेकर एक अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी हमले को देखकर मोदी सरकार बुरी तरह से डर गई है। गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, लगातार गैर कश्मीरी सहित हिंदुओं को निशाना भी बनाया जा रहा है और इसी से भाजपा डरे हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जम्मू कश्मीर में एक और हमला हो सकता है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुरमीत राम रहीम को लगा कोर्ट से बड़ा झटका, राम रहीम सहित पांच दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। जी दोस्तों आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा चार अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम व अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 20 साल की सजा राम रहीम जेल में जो है बलात्कार के आरोप में काट रहा है। वहीं आपको बता दें कि 20 साल की सजा काटने से पहले ही बाबा राम रहीम को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुना दी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका राम रहीम को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, कहा बैरिकेडिंग नहीं की थी। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले पर बयान दिया है। मंत्री अजय मिश्रा ने अपने आरोपी बेटे का बचाव करते हुए पुलिस प्रशासन पर इसका आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि अजय मिश्रा ने कहा है कि किसान आंदोलनकारियों को सड़क पर प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई लेकिन पुलिस द्वारा रूट को अवरुद्ध नहीं किया गया, वहां कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई, फिर जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री अजय मिश्रा ने सिंगाखुर्द गांव में सभा में ये बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस यहां पर बैरिकेडिंग करती तो किसान गाड़ियों के नीचे नहीं आते और किसान कुचले नहीं जाते, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस ने बैरिकेडिंग नहीं की थी इसलिए इस हिस्सा की जिम्मेदार पुलिस है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पुलिस पर ही बीजेपी के मंत्री ने आरोप लगा दिया है जबकि कुचला खुद के बेटे ने है किसानों को। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर मोदी सरकार पर भड़के राहुल प्रियंका। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये बेहद गंभीर मुद्दा है, चुनाव वोट राजनीति से पहले आती है, जनता की साधारण जरूरत जो आज पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मित्रों के फायदे के लिए जिस जनता को मोदी सरकार धोखा दे रही है मैं उस जनता के साथ हूं और उनकी आवाज उठाता रहूंगा। वही आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल पर 66 पैसे और डीजल पर 55 पैसे बढ़ाए थे और इसी का राहुल गांधी ने विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नखलऊ में रेल लोको आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों पर दर्ज होगा मुकदमा, योगी सरकार ने आदेश किया जारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना को लेकर किसान मोर्चा ने रेल लोको आंदोलन का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि किसान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने इस आंदोलन के ऐलान के बाद नखलऊ पुलिस भी एक्शन में आ गई। नखलऊ पुलिस ने कहा है कि रेल लोको आंदोलन के मद्देनजर जिला में धारा 144 लगाई गई है, यदि किसानों ने कानूनी व्यवस्था बिगाड़ी और किसी भी किसान ने उपद्रव किया या फिर अहिंसा फैलाई तो उस किसान पर NSA लगाया जाएगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसे जेल में डाला जाएगा। तो किस तरह से तानाशाही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो गई है
है किसान आंदोलन में शामिल और रेल लोको आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों पर NSA लगाने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अगस्त के पहले सप्ताह में पप्पू यादव कांग्रेस में होंगे शामिल, लगेगा भाजपा को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव अगस्त के पहले सप्ताह में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के अनुसार बातचीत अंतिम दौर में है। पूर्व सांसद पप्पू यादव जल्दी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी वक्त चरण दास ने IANS से बातचीत में कहा कि अभी तक उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पप्पू यादव से इस संबंध में बातचीत नहीं की है, ये पूरी बातचीत प्रदेश स्तर पर हो रही है। हालांकि सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव पहले अपनी पार्टी जन अधिकार का कांग्रेस से गठबंधन कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से पप्पू की जन अधिकार पार्टी कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद बातचीत अंतिम दौर में है और जल्दी पप्पू यादव पार्टी का विलय कांग्रेस में कराएंगे और जो है बिहार में पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर